कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो जुड़िए झारखंड बंगाल के एकमात्र मुढ़ी मेकिंग मशीन रोस्टर वर्कशॉप पर, जो कि काशीपुर स्थित तालजुरी पोस्ट गौरंगडी में स्थित है। यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी की मुढ़ी मेकिंग मशीन उपलब्ध है। हमसे संपर्क करने के लिए नीचे दिए हुए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24। मैं सागर पांडे आपके साथ। आइए जानते हैं खबरों के बारे में विस्तार से। ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के अपर महामंत्री सह पीएनएम प्रभारी डीके पांडे ने बताया कि कोरोना संकट काल की लॉकडाउन अवधि और उसके बाद की विपरीत परिस्थितियों में भी ईसीआरकेयू अपने कर्मचारियों के प्रति पूरी निष्ठा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा रहा। सक्रिय कार्यकर्ताओं के और युवा समितियों के ऊर्जापूर्ण प्रदर्शन और कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि ईसीआरकेयू ने अपने सांगठनिक कर्तव्य के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं को भी बखूबी निभाया है। अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित इस मंडल के रेल कर्मियों ने माल लदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इस आधार पर इस मंडल के रेल कर्मियों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि की मांग की गई है। साथ ही केंद्र सरकार से भी आग्रह किया गया है कि बोनस पर सकारात्मक सोच के साथ इसके भुगतान की व्यवस्था अविलंब करे। श्री पांडे ने कहा कि चाहे ड्यूटी को सुलभ बनाने के लिए स्टाफ स्पेशल को चलवाना हो, चाहे लगातार मेडिकल और कार्मिक विभाग के संपर्क में रहकर अपने हरेक कर्मचारी के स्वास्थ्य के प्रति सजगता दिखाते हुए मास्क, सैनिटाइजर, हैंडवॉश या साबुन या होम्योपैथी दवा आर्सेनिक एल्बम 30 पांचों मंडल में वितरित कराने का काम किया। यूनियन के युवाओं और महिलाओं सदस्यों ने बढ़ चढ़कर इन कार्यों में हिस्सा लिया। लॉकडाउन अवधि के पूर्व बहुत से कर्मचारी छुट्टी में अपने मुख्यालय से बाहर गए थे और परिचालन बंद हो जाने के कारण ड्यूटी पर उपस्थित होने से असमर्थ हो गए। उन्हें अनुपस्थित अवधि के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश में परिवर्तन करवाने के लिए जोनल प्रशासन और मंडलीय प्रशासन से आदेश सर्कुलेट करवाया गया, जिससे प्रभावित कर्मचारियों को संबंधित अवधि के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश प्राप्त हुआ और उनके वेतन का भुगतान किया गया। इस भीषण संकट काल में प्रभावित कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो सके, इसके लिए महाप्रबंधक से बात कर जोनल फंड से मंडलीय अस्पतालों में वेंटिलेटर सुविधा और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पीपीई किट उपलब्ध कराई गई। साथियों, मुझे मालूम है कि आजकल आप लोग को बहुत चिंता होगी इस बात को लेकर के कि प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस का क्या हो रहा है और ये उत्पादकता पर आधारित बोनस मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। इस आशंका से बहुत सारे लोग घिरे हुए हैं और बार बार हमको इस बारे में फ़ोन भी आते रहते हैं, लोग चिंताएं भी जाहिर करने का काम कर रहे हैं। चिंता आना स्वाभाविक है क्योंकि बड़ी मुश्किल से कितनी कुर्बानियों के बाद ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के सन 74 की हड़ताल के बाद ये प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस मिलने का काम हुआ और 1979 से अब तक हम लोगों को बराबर जो है वो प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस मिला है। हालांकि इस वर्ष बहुत सारी अप्रत्याशित घटनाएं घटी हैं और उसमें कोरोना महामारी एक, लेकिन ये भी आप समझ लीजिए कि इस महामारी के दौरान जिस तरीके से रेल कर्मचारियों ने काम किया है और देश की जो लाइफ लाइन है उसको जीवंत रखते हुए तमाम एसेंशियल कमोडिटीज़ को एक सिरे से दूसरे सिरे पहुंचाया है, मैं समझता हूं कि ऐसा असाधारण काम इस देश में शायद ही कुछ ही श्रमिकों ने किया हो जैसा कि रेल कर्मचारियों ने करके दिखाया। हमारा नेट ट्रेन किलोमीटर जो है वो भी नहीं कम हुआ, पिछली बार भी हमने बढ़ा करके देने का काम किया था जिसका कि एपीएलबी है और इस वर्ष भी सरकारी आंकड़ों के अनुसार हम 15% फ्रेट ज़्यादा ढुलाई कर चुके हैं। ठीक है, पैसेंजर गाड़ियां नहीं चल रही हैं तो उसमें हमारा अपराध तो है नहीं, लेकिन कोई ये कहे कि रेलवे में हम लोगों के बूते पर कोई नुकसान हुआ या घाटा हुआ ऐसी कोई बात नहीं है। हम बराबर माननीय मंत्री जी से, चेयरमैन रेलवे बोर्ड जो कि अभी सीईओ हो गए हैं उनसे इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि पीएलबी पूजा के बहुत पहले अनाउंस हो जाए ताकि लोगों को जो है वो इस बात का संतोष हो जाए कि वो कम से कम दुर्गा पूजा
और दशहरा सही ढंग से मना सकें। हमने माननीय सीओ साहब को कह भी दिया है कि ऐसा इशू है जो बहुत ही सेंसिटिव है, माननीय मंत्री जी को भी ये खबर देने का काम किया गया है। हम रेलवे जहाँ कहीं भी जा रहे हैं लोग बहुत आक्रोशित हैं, और मैंने मांग की है और मैंने इस बात को कहा है रेलवे बोर्ड से कि अगर इसमें जरा भी कोताही हो गई और बोनस के मामले में कुछ भी अदरवाइज होने का काम हुआ तो मैं नहीं समझता हूँ कि रेल कर्मचारी इसको बर्दाश्त करेगा, और इसकी वजह से जो भी चीज़ें होंगी उसके लिए जिम्मेदारी जो है भारत सरकार की होगी। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने पूरे तौर पर यह तय कर रखा है कि अगर बोनस के मामले में कोई भी गड़बड़ी होती है तो हम बिना नोटिस के भी सीधी कार्रवाई करेंगे या सीधे संघर्ष में जाने का काम करेंगे। मैं आम तमाम साथियों से ये मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप जहाँ पर हैं वहाँ अपनी तैयारी पूरी रखें, लेकिन जब तक ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन है बहुत चिंता नहीं करें, हम पूरा प्रयास करेंगे कि सरकार को समझ आए और जो काम करने वाले लोग हैं उनको उनके साथ कोई टिंकरिंग नहीं की जाए, उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। अगर फिर भी सरकार नहीं मानेगी तो फिर हमारे पास संघर्ष के अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचेगा। धन्यवाद।